प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को जालंधर में पहली चुनावी रैली की। इस मौके पर उन्होंने कहा, कुछ लोग निजी स्वार्थ की वजह से इस चुनाव में पंजाब की आन बान शान पर दाग लगाने का काम कर रहे हैं, उसे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं राहुल गांधी ने शुक्रवार को अपनी तीन रैलियों में से पहली रैली पंजाब के मजीठा में की। इसमें राहुल ने कहा, पंजाब को एक परिवार ने बर्बाद कर दिया। इनके पास बसें हैं, सब कुछ है, लेकिन आपके पास कुछ भी नहीं है। राहुल ने कहा, गुरु नानक जी कहते थे सब तेरा, लेकिन अकालियों ने कहा सब मेरा। 18 साल पुराने काले हिरण शिकार मामले में शुक्रवार को सलमान खान, सैफ अली खान, नीलम कोठारी, सोनाली बेंद्रे और तब्बू जोधपुर कोर्ट में पेश हुए। इन्हें मुलजिम बयान यानी 28 गवाहों के आरोप सुनाए गए। पांचों कलाकारों ने कोर्ट में कहा कि उन्हें इस मामले में साजिश के तहत फंसाया गया है। आम आदमी पार्टी ने वादा किया है कि पंजाब में 5 रुपए में खाना और 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस देगी। आपने शुक्रवार को अपना फाइनल मैनिफेस्टो जारी किया। इससे पहले पार्टी पंजाब के लिए 6 मैनिफेस्टो जारी कर चुकी है। इसमें 1 महीने में पंजाब को नशा मुक्त करने का वादा भी किया गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल 1 अप्रैल 2017 से प्रभावी हो जाएगा। कंपनियां टैक्स बचाने के लिए कई शॉर्टकट निकालती रही हैं। इस पर रोक लगाने के लिए सरकार 1 अप्रैल 2017 से GAAR को लागू करने जा रही है। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव में मैदान में नहीं उतरेंगे। पार्टी पदाधिकारियों की बैठक में अखिलेश ने साफ किया कि वे यूपी की किसी भी विधानसभा सीट में चुनावी मैदान में नहीं उतरेंगे, क्योंकि वे विधान परिषद सदस्य हैं और उनका कार्यकाल 2018 तक है।